नमस्कार, मैं प्रज्ञा धर्द, 30 खबरों में आपका स्वागत है। चले जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। बिहार में दिघा और सोनपुर को जोड़ने के लिए गंगा नदी पर एक नए 6 लेन पुल के निर्माण होगा। बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसकी मंजूरी दे दी है। साथ ही कहा गया है कि परियोजना पर कुल 3,064.45 करोड़ रुपए का खर्च होगा, जिसमें सिविल निर्माण के लिए 2,233.81 करोड़ रुपए शामिल है। यह परियोजना कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगी, आर्थिक विकास को बढ़ावा देगी और पूरे बिहार में लाखों लोगों को लाभान्वित करेगी। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूल व हायर एजुकेशन में कई बदलाव किए गए हैं। भारत के विभिन्न केंद्रीय, राज्य, निजी व डीम्ड विश्वविद्यालयों में CUET परीक्षा के जरिए एडमिशन मिलता है। CUET परीक्षा का फुल फॉर्म कॉमन यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट है। यह परीक्षा UG व PG दोनों स्तरों पर होती है। CUET PG 2024 परीक्षा के लिए ऑफिशियल वेबसाइट pgcuet.samarth.ac.in पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बिहार सरकार ने एक बार फिर से ग्रामीण कचहरी को बड़ा अधिकार दे दिया है। अब राज्य के सभी सरपंच एक बार फिर से वंशावली बना सकेंगे। इस बात की जानकारी पंचायती राज विभाग की तरफ से दी गई है, जिसको बाद इसके लेकर विभाग के अपर मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारी, उप विकास आयुक्त एवं पंचायती राज अधिकारी को पत्र भेजा है। इसमें वंशावली निर्गत करने के लिए सक्षम प्राधिकार को सूचना दी गई है। राष्ट्रीय भुगतान निगम ने UPI टैप एंड पे सेवा को शुरू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के अनुसार इस सुविधा को शुरू करने के बारे में शीर्ष निकाय द्वारा विवरण जारी किए जाने के तुरंत बाद डिजिटल भुगतान प्रदाताओं को उपलब्ध करा दिया जाएगा। NPCI ने एक परिपत्र में एक यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस के सदस्य 31 जनवरी 2024 तक UPI टैप एंड पे कार्यक्षमता के साथ काम करना शुरू कर सकते हैं। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे ने बताया कि नेपाल और यूपी सीमा पर स्थित बघा को नए साल पर पूर्व मध्य रेलवे का तोहफा मिला है। बहुत दिनों इंतजार के बाद इंटरसिटी ट्रेन का सीधा बघा से राजधानी पटना को जोड़ने की रेल मंत्री ने मंजूरी दी है। बिहार बीजेपी के राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे ने रेल मंत्री समेत प्रधानमंत्री का आभार जताया है। यह ट्रेन रात्रि 1:30 बजे बघा पहुंचेगी, जबकि अगले सुबह में 3:30 बजे पाटलिपुत्र के लिए बघा से इंटरसिटी ट्रेन प्रस्थान करेगी। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शांतिपूर्ण तरीकों के माध्यम से रूस यूक्रेन मुद्दे को संबोधित करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करने को तैयार है। दोनों पक्षों के बीच चल रहे उच्च स्तरीय आदान प्रदान के एक हिस्से के रूप में विदेश मंत्री 25 से 29 दिसंबर तक रूस की यात्रा पर है। पुतिन ने यूक्रेन की स्थिति सहित जटिल वैश्विक विकास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सकारात्मक रुख पर जोर दिया। राज्य के 18.3% स्कूलों में ही कंप्यूटर की सुविधा है। इसमें सरकारी के साथ निजी स्कूल भी शामिल है। NCERT की एक रिपोर्ट से यह बातें सामने आई है। कंप्यूटर की सुविधा नहीं होने से शैक्षणिक स्तर पर भी इसका असर हो रहा है। NCERT ने नई शिक्षा नीति को लेकर स्कूलों का एक सर्वे किया है। सर्वे अक्टूबर से नवम्बर के बीच किया गया था। बिहार की बात करें तो यहां कई स्कूलों में कंप्यूटर नहीं है। कोरोना वायरस के JN1 वेरिएंट का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। भारत में JN1 वेरिएंट के 24 घंटों में 529 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 5 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। इलाज के लिए मरीजों की संख्या 4,093 दर्ज की गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को यह जानकारी दी। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से बुधवार सुबह 8 बजे आए आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस के संक्रमण से 3 लोगों की मौत हुई है। 29 दिसंबर को होने वाली JDU अहम बैठक में शामिल होने के लिए आज CM नीतीश पटना से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। इससे पहले नीतीश ने कहा कि पार्टी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक सामान्य बैठक है और हर साल होती है। वहीं दूसरी तरफ बिहार में सीटों को लेकर कांग्रेस के नेता दिल्ली में पार्टी की गठबंधन समिति से मुलाकात करेंगे। कांग्रेस ने बिहार में 10 लोकसभा सीटों पर दावा ठोका है। जिन टैक्सपेयर्स ने वित्त वर्ष 2022-23 में और असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए 31 जुलाई 2023 तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया है, उनके लिए 31 दिसंबर की तारीख बहुत अहम है। लेट फीस के साथ ITR फाइल करने का आपके पास आखिरी मौका है। लेट फीस के साथ ITR फाइल करने के अलावा आपके पास ITR में किसी तरह की गलती हो गई है तो उसे सुधारने का भी यह आखिरी मौका है। बाजार नियामक सेबी ने डीमैट और म्यूचुअल फंड खाताधारकों को बड़ी राहत दी है। संस्था ने डीमैट और म्यूचुअल फंड खाताधारकों के लिए नॉमिनी जोड़ने की समय सीमा को अगले साल 30 जून 2024 तक बढ़ा दिया है। अभी तक किसी लाभार्थी को नामित करने या घोषणा पत्र जमा कर इससे बाहर निकलने की समय सीमा 31 दिसंबर 2023 तक रखी गई थी। ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमैटो को GST से कारण बताओ नोटिस मिला है। GST का यह नोटिस 400 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। कंपनी ने बुधवार को देर शाम एक BSE फाइलिंग में GST से नोटिस मिलने की जानकारी दी। कंपनी ने बताया कि उसे GST का यह नोटिस 26 दिसंबर को मिला। नोटिस में जोमैटो से 402 करोड़ रुपए के बकाया टैक्स की मांग को लेकर जवाब मांगा गया है। यह टैक्स देनदारी डिलीवरी चार्जेस पर अनपेड टैक्स को लेकर है और 29 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2022 की अवधि के लिए है। भारत के पश्चिमी तट पर केमिकल टैंकर MV प्लूटो पर ड्रोन अटैक के बाद भारतीय नौसेना अरब सागर में सुपर एक्टिव हो गई है। हमले के बाद नौसेना ने अरब सागर में 3 युद्धपोत तैनात किए थे और अब 4 और पेट्रोल वेसल तैनात कर दिए हैं। रक्षा अधिकारियों ने आज तक को बताया कि तैनात किए गए पेट्रोल वेसल एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं।
पीएम किसान लाभार्थियों की संख्या में ऐतिहासिक गिरावट आई है। अप्रैल जुलाई 2022 में यह संख्या जहां 10.47 करोड़ के साथ शिखर पर थी, वहीं कुछ ही महीनों में 20% से अधिक की गिरावट के साथ 8.12 करोड़ हो गई है। इससे अगली किस्त पर भी असर पड़ सकता है। हालांकि सरकार ने इसकी भरपाई के लिए संकल्प यात्रा निकाल 34 लाख लोगों को ऐड किया है। यह यात्रा 26 जनवरी तक जारी रहेगी। फ्रांस में शरण मांग रहे 25 भारतीय यात्रियों को मुक्त कर दिया गया है। फ्रांसीसी मीडिया ने बताया कि स्थानीय कोर्ट ने इन यात्रियों को औपचारिक आधार पर रिहा करने का आदेश दिया। बीते सप्ताह दुबई से निकारागुआ जा रही फ्लाइट को मानव तस्करी के शक में फ्रांस में रोक लिया गया था, जिसमें 303 यात्री सवार थे। उनमें से 276 यात्री वापस भारत लौटा, जबकि 25 ने फ्रांस में शरण मांगी थी। इसके अलावा 2 यात्रियों से वहां पूछताछ की गई। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अगले महीने संसदीय चुनावों में फिर से चुने जाने पर भारत के साथ सहयोग और मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने का वादा किया है। यह दोबारा पुष्टि तब हुई जब उन्होंने 7 जनवरी को होने वाले आगामी आम चुनावों के लिए बुधवार को सत्तारूढ़ आवामी लीग पार्टी के घोषणा पत्र का अनावरण किया। हसीना ने रेखांकित किया कि यदि उनकी पार्टी जीत हासिल करती है तो बांग्लादेश सकारात्मक राजनयिक संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को उजागर करते हुए सभी देशों के साथ अपने विकास सहयोग को जारी रखेगा। यूपी, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली समेत देश के कई राज्यों को आज सुबह भी घने कोहरे से राहत नहीं मिली। हालांकि नोएडा समेत दिल्ली के कुछ इलाकों में हल्की हवाएं चलने की वजह से कोहरे से थोड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग ने बताया कि उत्तर पश्चिम भारत में अगले 3 से 4 दिनों के दौरान घना से बहुत घना कोहरा जारी रहने की संभावना है। IMD के अनुसार दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में अगले 24 घंटे के दौरान रात और सुबह के समय घना कोहरा छाया रहेगा। भारत ने अगले 5 साल में केला निर्यात को $1 अरब पर पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। समुद्री मार्ग से परीक्षण के तौर पर नीदरलैंड को केले के सफल निर्यात के बाद भारत ने यह लक्ष्य तय किया है। फिलहाल मात्रा कम होने तथा पकने की अलग अलग अवधि की वजह से फलों का ज्यादातर निर्यात हवाई मार्ग से होता है। भारत समुद्री मार्ग के माध्यम से अपने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए केले, आम, अनार और कटहल जैसे ताजे फलों और सब्जियों के लिए समुद्री प्रोटोकॉल विकसित कर रहा है। प्रभास स्टारर सालार पार्ट 1 सीजफायर 22 दिसंबर को रिलीज होने के बाद से बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ रही है। सालार ने रिलीज के पहले दिन 90.7 करोड़, दूसरे दिन 56.35 करोड़, तीसरे दिन 62.05 करोड़, चौथे दिन 46.3 करोड़ और पांचवें दिन 24.9 करोड़ का कलेक्शन किया है। सेक्रेटरी अली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक सालार ने रिलीज के 6ठे दिन यानी बुधवार को 17 करोड़ का कलेक्शन किया है। इसी के साथ सालार की 6 दिनों की कुल कमाई अब 297.40 करोड़ रुपए हो गई है। SBI और यूनियन बैंक ने 2 करोड़ रुपए से कम के फिक्स डिपॉजिट पर ब्याज दरों में 0.50% तक इजाफा किया है। चुनिंदा अवधि के FD पर बढ़ाई गई नई दर 27 दिसंबर से लागू हो गई है। SBI ने बताया कि 7 दिन से लेकर 45 दिन की अवधि के FD पर 0.50% ज्यादा यानी 3.50% ब्याज मिलेगा। 46 से 179 दिन पहले FD पर 0.25% ज्यादा ब्याज मिलेगा, जो 4.75% होगा। 2 से 3 साल की अवधि के FD पर सबसे ज्यादा 7% ब्याज मिलेगा। साल अब तक भारत में 204 बाघ मारे गए हैं। सबसे अधिक 52 बाघ महाराष्ट्र में मारे गए। इसके बाद दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है, जहां 45 बाघों की मौत हुई। 26 मौतों के साथ उत्तराखंड तीसरे स्थान पर है। इनकी मौत के अलग अलग कारणों के साथ शिकारियों ने 55 बाघों की जान ली है। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने के मौके पर गैर लाभकारी संस्था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सोसाइटी ऑफ इंडिया ने बाघों पर रिपोर्ट जारी की है। स्टेटस रोकने या शुरू करने वाले प्रोटीन ENPP1 की अमेरिकी वैज्ञानिकों ने खोज की है। उनका दावा है कि इस खोज से स्तन कैंसर व अन्य कई कैंसर से पीड़ित लोगों को नई व ज्यादा प्रभावशाली इम्यूनोथेरेपी देने की मदद मिलेगी। चिकित्सकों को यह भी जानने में मदद मिलेगी कि PP1 प्रोटीन की पहचान स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में बायोकेमिस्ट्री की एसोसिएट प्रोफेसर व आर्क इंस्टीट्यूट की अध्ययनकर्ता लिंगियन ली की टीम ने की है। जीनोम विज्ञान के जरिए भारतीय वैज्ञानिकों ने स्वस्थ लोगों में भविष्य की बीमारियों की पहचान करने में सफलता हासिल की है। करीब 1000 से ज्यादा लोगों के जीनोम अध्ययन के बाद वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि देश में 90 लाख से अधिक लोगों को अनुवांशिक बीमारी का खतरा है। इसे हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया कहते हैं। यह वंशानुगत बदलावों के चलते कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देती है, इसलिए इसे पुस्तैनी या खानदानी विकार भी कहते हैं। बीमा उद्योग के खिलाफ वित्त वर्ष 2022-23 में कुल 1.27 लाख शिकायतें मिली हैं। इसमें से 22% यानी 26,107 शिकायतें गलत तरीके से पॉलिसी बेचने की रही। हालांकि 2021-22 की 1.55 लाख शिकायतों की तुलना में 28,000 की कमी आई है। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की सालाना रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। रिपोर्ट के अनुसार कुल शिकायतों में सरकारी कंपनियों के खिलाफ 81,494 और निजी कंपनियों के खिलाफ 45,884 शिकायतें मिली हैं। रोजाना गोल्ड मार्केट में सोने की नई कीमतों को जारी किया जाता है। इनमें कई बार गिरावट तो कई बार बढ़ोतरी भी देखने को मिलती है, जबकि कभी कभी सोने के भाव में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होता है। रोजाना गोल्ड कीमत की जानकारी देने वाली वेबसाइट गुड रिटर्न्स के अनुसार आज यानी 28 दिसंबर 2023 को सोने की कीमत में बदलाव हुआ है। इसके अनुसार प्रति 10 ग्राम 22 कैरेट सोने का भाव 58,900 रुपये, 24 कैरेट सोने की कीमत 64,250 रुपये और 18 कैरेट सोने के दाम 48,190 रुपये हैं।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय और भीमराव अंबेडकर की दीक्षा भूमि के लिए चर्चित नागपुर में आज कांग्रेस महारैली करने वाली है। अपने 139वें स्थापना दिवस के मौके पर पार्टी यहां रैली करेगी और इसे आम चुनाव का बिगुल फूकने के तौर पर भी देखा जा रहा है। इस रैली में सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी रहेंगे। इसके अलावा पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी होंगे। कांग्रेस के सभी मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और अन्य वरिष्ठ नेताओं को भी इस रैली में बुलाया गया है। सोलर पंप एक ऐसा साधन है जिससे किसान भाइयों को बिजली बिल से राहत मिलती है, पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद है। सरकार की कई योजनाओं के तहत किसानों को सोलर पंप लगवाने के लिए सब्सिडी दी जाती है। इन्हीं में से एक कुसुम योजना भी है। इस योजना के तहत किसानों को सोलर पंप लगवाने के लिए 60% की सब्सिडी दी जाती है। रिपोर्ट्स के अनुसार ये पंप किसानों के अलावा पंचायतों और सहकारी समितियों को भी मुफ्त में उपलब्ध कराए जाते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि भारत सरकार की एक स्कीम है जिसका मकसद छोटे और सीमांत किसानों को फाइनेंशियल तौर पर मदद पहुंचाना है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 16वीं किस्त फरवरी और मार्च 2024 के बीच जारी होने की उम्मीद है। हालांकि अगले किस्त की सटीक तारीख के बारे में सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने IDFC लिमिटेड का उसकी बैंकिंग सब्सिडियरी कंपनी IDFC फर्स्ट बैंक में विलय करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। IDFC और IDFC फर्स्ट बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जुलाई में ही इन दोनों के विलय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। IDFC लिमिटेड ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा है कि IDFC लिमिटेड और IDFC फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी को 26 दिसंबर को RBI से लेटर मिला है जिसमें इसने विलय की योजना को मंजूरी दे दी है। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है अनवर करीम खान, मोहम्मद सकीर हुसैन, राजा कुमार, धनंजय कुमार, नौशद राजा। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र के सरकारी स्कूलों में छात्रों के लिए कंप्यूटर की सुविधा उपलब्ध है या नहीं? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।